तो शर्मा, क्या लगता है आपकी बार सरकार किसकी बनती है? हम तो बीजेपी ठीक है। क्या फायदा मिला? बहुत फायदा मिले। क्या क्या मिला है बताएं, अपने अपना फायदा जो मिला हो तीन काम। अरे लाइटिंग मिली, बाथरूम मिला, सारी व्यवस्था मिली, लाइट मिल रही टनाटन। सो रहे ना, रात कट जाती है 2 बजे, हम लोग जाग जाते थे। हाँ सोते थे हम लोग, कुछ नहीं चाहिए, घर द्वार बना है, वह लाइट की व्यवस्था लिए हम लोग परेशान है। हाँ ना 2 बजे कट जाती थी, बोलते थे ठंडा मौसम हो गया, और रात में सोते समय उठ जाओ बिस्तर बहुत बाहर नहीं ठीक है। बात मोहम्मद इब्रार, क्या लगता है अब की बार किसके साथ जा रहे हैं मुस्लिम? सपा, क्या फायदा है सपा में? नसीम अहमद, क्या लगता है बार सरकार? सपा सरकार। आपके पट्टी विधानसभा में कौन जीता? हमारे राम सिंह पटेल। सुनील कुमार यादव, क्या लगता है अब की बार सरकार किसकी बनती है? 300 पार समाजवादी पार्टी सर। विधानसभा की बात करें, किस मुद्दे पर यहाँ के लोग वोट दे रहे हैं? आगरा पिछड़ा या कि विकास के मुद्दे? विकास के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर। समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया है वो कोई कहीं कर नहीं पाएगा। समाजवादी के अलावा कोई विकास नहीं किया है, क्या सही? सही बात है। क्या नाम है? राम मिलन यादव। क्या लग रहा है यहाँ पट्टी विधानसभा? बस राम सिंह पटेल जीतेंगे, बस। और राम सिंह पटेल जीत जाएंगे? हाँ जीत जाएंगे। प्रचार करने जाते हैं? जाता तो नहीं हूँ, लेकिन जब भी पूरा भरोसा है जीत जाएंगे। पूरी पब्लिक जो है उन्हीं के ऊपर निर्भर है। क्या नाम? मम्मी के साथ। क्या लगता है युवा हैं आप, क्या सोचते हैं अब की बार किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? आवेशिक एटीएम वाले, आवेशिक अच्छी इंसान है। कौन यहाँ से चुनाव लड़ रहा है? यहाँ से मतलब कोई है नहीं, हम सोच रहे हैं अगर आ जाए कोई तो अच्छी बात है। अगर अभी तो अब आ नहीं पाएगा तो तब किसको? तभी आवेशिक सोचेंगे। क्या नाम? रमेश। क्या लगता है पट्टी सभा पे ठीक है? पट्टी कौन जीत रहा है? पट्टी जो ये जीत रहे हैं साइकिल वाले। साइकिल वाले कौन है साइकिल? अब भाई इसको नहीं जानते, सरोज। सरोज है? तो हाथी से भी तो आपकी पार्टी उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, क्या नाम है? मीरे सर। युवा है, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? ठीक है, ठीक है। नौकरी वोकरी देख रहे हैं? देख रहे हैं, अभी फिर ये फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन कराए हैं। क्या नाम है? रविंद्र मिश्रा। क्या लगता है पट्टी विधानसभा की बात करें तो यहाँ आपको कमियाँ क्या नजर आती है? देखिए, हम ये चाहते हैं जो विकास करेगा उसी को जो है हम लोग वोट करेंगे, और अब की बार हम लोग अखिलेश जी के साथ हैं। कारण क्या है कि उन्होंने जो है रोजगार बहुत दिया, रोजगार भी दिया, और उनके राज्य में जो है बहुत विकास हुआ है। लैपटॉप गरीबों को मिला है, और हर विकास भाजपा सरकार भी तो विकास कर रही है। जी कर तो रही है, लेकिन इन्होंने जो है कहीं ना कहीं गुंडा राज जो है खत्म नहीं कर पाए हैं, पूर्ण रूप से हर जगह अभी खत्म नहीं हुआ। और गरीब जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम बशीर नाम है। अवनीश कुमार सिंह। अवनीश कुमार सिंह पट्टी विधानसभा से? पट्टी विधानसभा। पट्टी विधानसभा में आपको क्या, आपके विधानसभा की बात करें, यहाँ क्या कमियाँ आपको नजर आती हैं अभी? इस वक्त अब ये कमी जो थी वो दूर हो गई। क्या थी? डकैती, चोरी, डकैती, बलात्कार, ये सब दूर है। विकास? विकास है। क्या कमी है विकास में? अब तो करचो कमी ना देखा सरकार। अभी हम पट्टी से आ रहे थे, थोड़ा अभी हम पट्टी से आ रहे थे, ये रास्ता बहुत डैमेज है। तो बरसात है, सीजन पाने पे डाल। कहाँ बरसात है? अरे तो वही थोड़ा सा 2 किलोमीटर आप देखे, 1 किलोमीटर डैमेज। पट्टी से निकले वहाँ से रास्ता यहाँ तक खराब मिला? हाँ तो खराब मिला, सुधर जाएगा। हाँ समय आने पे, टूटी फूटी है, सीजन आने भी है। मेन रोड की स्थिति है, पूरा रोड बेकार हुआ है। और भी यहाँ जो रास्ते हैं कैसे? पूरा रास्ता एकदम गड़बड़ है, सब जगह गड़बड़ है। नहीं भाई, चलिए आप मेरे साथ मोटरसाइकिल बैठा है वहाँ। ये किसी समय जितने भी लिंक रोड है, इस रोड को जोड़ने वाले सारे लिंक रोड इस समय चलने लायक है ही नहीं है। चलिए आप मेरे साथ मोटरसाइकिल से बैठिए। दिल्ली में एक स्टेडियम खुल रहा है जहाँ लड़के खेल कूद, जहाँ चक्रोड नहीं था वहाँ पर हाईवे बन रहा है। यही सैफाबाद से होते हुए राजन पट्टी, नोही, ढिड़ोही, ये सब पर ये हाईवे रोड बन रहा है। लेकिन क्या क्या कमियाँ? बेरोजगारी के मुद्दे पर फेल है। इनसे बेरोजगारी पर बात करिए तो ये बुलडोजर की बात करते हैं, इनसे महंगाई पर बात करिए तो ये गुंडई की बात करते हैं, इनसे विकास पर बात करिए तो ये पीछे झांकने लगते हैं।
किसी भी क्षेत्र में अब तक का सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है, दुर्भाग्य है हमारे देश का। क्या नाम है? हमारा नाम शोभनाथ यादव है। पिछला कार्यकाल जो भी रहा होगा, राम सिंह का हो या ऑल ओवर पूरे यूपी का देखा जाए, तो मुख्यमंत्री जी का पूरा कार्यकाल बिल्कुल बेहतरीन रहा है। चाहे वो रोजगार के मामले में देख लीजिए, जितना रोजगार सपा शासनकाल में मिला है उसका आधा भी इन्होंने नहीं दे पाए। 1,37,000 शिक्षा मित्रों को उन्होंने डिसमिस किया, उसको भी ये अपने कार्यकाल में नहीं भर पाए। प्राथमिक विद्यालय की ये हाल है। माध्यमिक कॉलेजों को देख लीजिए क्या हाल है। यहाँ पर सारे पद हर विभागों में खाली हैं। 4,10,000 का अखिलेश सरकार ने एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने 1,37,000 शिक्षा मित्रों को डिसमिस करने के बाद उतने भी पद नहीं भर पाए अपने शासनकाल में। यह बीजेपी का हाल। पट्टी विधानसभा से हैं जी, क्या लगता है यहाँ पर कमियां आपको क्या क्या नजर आती हैं? कमियां यहाँ आप ये मान के चलिए, चाहे शिक्षा की बात ले लीजिए, चाहे रोजगार का बात, ये केवल बुलडोजर की बात करते हैं। बुलडोजर किसके ऊपर चला? आपके विधान, आपके विधानसभा से जो विधायक मोती सिंह जी थे वो कैबिनेट मंत्री थे जी। विकास के मामले में मैं मोती सिंह पर बात नहीं करना चाहता हूँ। सरकार कोई भी खराब नहीं है, सरकार की नीतियाँ खराब होती है। सरकार की नीतियाँ वो सही है जो अधिकांश बहुल भागों को लाभ पहुंचाए। मैं मोती सिंह की बात नहीं करना चाहता हूं, सरकार की नीतियों पर बात करना चाहता हूं जो हकीकत इस समय है। बताएं अब आप अपनी बातें आप रखिए, पूरी बात हम रखवाएंगे आपकी, और एक भी आपकी जो भी बातें हैं कटेगा नहीं चैनल की, ये वादा है आपसे। विकास का मुद्दा आप ले रहे हैं, कोरोना काल चला, आप भी थे उसी कोरोना काल में, 6 महीने से सरकार जो है फ्री राशन गरीबों को दे रहा है, और जो उसके पात्र हैं वो भी पा रहे हैं, और महीने में 2 बार पर रुका एक बात भी क्या सुना, रुका रहा। हम तो हरी बात में ना बोले, सुन रहा। हाँ अच्छा अच्छा सुनिए, गरीबों तक पहुंचा, कोई कमीशन नहीं हुआ, न कोई धांधली हुई। तो उस वक्त कोई नहीं इनसे पूछने आया भैया किस विपत्त में कैसे हो, तो फर्ज बनता है जिसकी सरकार रहे वो पूछे। जो घर का मुखिया, सड़क रह गया, बिजली यहाँ पर 18 घंटे से 16 घंटे से कम रहती है, बताइए कोई लोग? ना, 4 गुना आप अकेले जिन बताओ भाई साहब, सब ऐसा है। सुनिए जवान, सुनिए जवान, ध्यान मत दीजिए आप, यहाँ बोलिए आवाज नहीं आएगी। जो भाई 60 लीटर दूध देगी तो 4 किलो राशन खाएगी। अच्छा ये एक पलवा दूध देगी तो एक छठा हक पर। अच्छा कोरोना काल की बात की, अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में बहुत सारे लोग मर गए, आपने देखा होगा कैसे लोग ऑक्सीजन के लिए बाटा लेके भाग रहे गोरु। अच्छा ये बताइए, मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताइए कौन सी सरकार, किकर है बताइए, क्या बोगी बाहर से सरकार भेजी, रोकिए अब एक एक लोग बोलेंगे तब आएगी आवाज, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा है जानवर की मौका देंगे, सुना ये बताइए जानवर जो है सरकार छोड़ा है कोई, कादू एक बोगी आए की गिरी है कहूँ, उसको जनता ने छोड़ा ना, जनता ने, लेकिन सरकार ने गौशाला बनाया है, गौशाला बना, लेकिन वहाँ पर उसके हाल जो है ना बहुत खराब है, वहाँ पर खराब है, उसको मैं मान रहा हूँ। जब घर के जानवर और घरे के बुढ़ापा इनका सेवा के जुजब आदमी क्या रहते हैं, जो अपनी महतारी बाप के नाम सेवा करते, तो आपकी सेवा हो रही कि नहीं हो रही? हमारी तो भी हम तगड़ है, चार जानवर की नहीं। और ये बताइए जानवर के मुद्दत में मान रहा हूँ, हमारा भी चल रहे है, लेकिन विकास विकास हो रहा है, सबका विकास की बात है सरकार करती है। होली और दिवाली पर फ्री सिलेंडर दिया गया, क्या मुस्लिमों की ईद और बकरीद पर नहीं मिल सकता था क्या? कहाँ है सबका साथ सबका विकास? अरे नहीं किया, आप इनका मैनिफेस्टो तो उठा करके आप देख सकते हैं कि इन्होंने मैनिफेस्टो में क्या, राशन अगर सरकार दे रही, राशन को विकास कहते हैं यार, मार्च के बाद देखिए क्या राशन देंगे, और पेट्रोल और डीजल की कीमत कहाँ है, सरकार बैठी है घात लगाए हुई है, 100 के पार करेगा मार्च 10 मार्च के बाद, यही आप देखेंगे। ये लगता है अखिलेश यादव ने जो वादा किया है, अगर 10 मार्च को सरकार उनकी बनती, आप पुराना मैनिफेस्टो उठा के देखिए अखिलेश सरकार का, जिन्होंने किया था कितना पूरा हुआ और कितना बाकी रह गया, और इनका उठा के देख लीजिए, कंपेरिजन कर लीजिए दोनों का, कितना पूरा हुआ है। यहाँ कोई बोल रहा था, कहाँ है आप ये आप बोल रहे थे ना, आइए। जानवर इतना, कितने लोग खेत नहीं जोता बोया गया है जानवर के कारण, कितना बेरोजगार हो गए मुसलमानों, खेत कितना नहीं बोया गया, जो बोल रहे हैं बोलने के लिए उनको सामने कर लो ना। क्या लगता है आपकी बार सरकार बिल्कुल बदलेगी? हमारा नाम सुमित यादव, ठीक है। राजेश यादव,
यहाँ पर हो रही थी बातें, तो आप भी बोल रहे थे, क्या बात आप कर रहे थे वो बातें? सरकार बदलेगी बस, क्या दिक्कत है सरकार से? सरकार से हर चीज दिक्कत है, बेरोजगारी, महंगाई, इनका ललका साड़े से सबसे ज्यादा दिक्कत तो ललका साड़े। वो तो कह रहे थे यही किसान को, किसान छोड़े ना, किसान मजबूर में क्या करे, उसका बान किए अजू कोई फायदे नहीं मिले, क्या करे किसान बान के, बताओ आप क्या करे किसान बान के? तो क्या लगता है कि ये भी बदलाव तय है? तय है नहीं, आप हाथ उठवा के देखवा लीजिए, इस बार बदलाव तय है। नहीं उठा देंगे, जितने लोग कहिए उठाएंगे बदलाव तय। आप उठवाइए, अरे उठवा दीजिए यार हाथ, बदलाव तय है कि नहीं तय है? उठाइए उठाइए, देखिए बदलाव तय है, अरे इस साइड भी है, देखिए इस साइड तय है बदलाव। मैं कह रहा हूँ कि योगी फिर सरकार बनाने जा रहा है। कहा योगी, हम कहाँ कहते ही ना बने भाई, अरे तो आप भी तो वही कह रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं, ये हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं, मगर आप हाथ उठवाओ विकास पे, विकास पे, विकास के मुद्दे पर आप भी हाथ उठवा के, ऐसा है हम तो अकेला यही टेका हाथ उठवाए। ये आरोप लगता है कि यादव जब सरकार होती है यादव भर्ती हो जाते हैं हर जगह उन्हीं के डिपार्टमेंट। अरे भाई हमें बताइए, यादव मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम चले दिखाइए मुजाही में, आप वहाँ दौड़ हो, वो लोग दौड़ रहे हैं, कम से कम 100-150 लड़के में 70-80 लड़के यादव के मिलेंगे जो मेहनत कर रहे हैं। भाई मेहनत करेंगे तो निकलेंगे ही, ये तो सरकार की बात है भाई, बदनाम कर रहे हैं मान लीजिए चाहे जो हो, मगर जो मेहनत कर रहा हो निकलेगा। पट्टी विधानसभा में है, सैफाबाद बाजार है, यहाँ से जो प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है इनके ऊपर आरोप लगता है कि ये बाहरी हैं, क्या सोचते हैं यहाँ? कोई ये तो गलत आरोप है, नहीं नहीं कोई नहीं कह सकता, कोई मुद्दा नहीं है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, विधायक है, नहीं नहीं नहीं, ये लगातार 5 साल चाहे वो चुनाव जीते या हार गए क्षेत्र में लगे रहे, जनता के बीच आते रहे, ऐसा कुछ नहीं। और भी लोग हैं, दोनों दल के संग न किसी से वाद दोस्ती न किसी से वैर। और भी लोग हैं, क्या नाम है आप? रंजीत यादव। युवा हैं, वोट देते हैं? जी जी, पहली बार वोट देने जाएंगे विधानसभा? नहीं जी, दूसरी बार देने, दूसरी बार देने जाएंगे, तो क्या सोचते हैं आपका वोट कहाँ पड़े? हम चाहते हैं हमारे यहाँ विकास हो और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बदलाव हो, जैसे इस सरकार में हमको रोजगार ज्यादा नहीं मिला इस सरकार में। चलिए, तो आप भी युवा हैं, बात करिए, हम नहीं बात कर सकते ना, युवा हैं। अच्छा, बोल रहे हैं कि नहीं रोजगार चाहिए भाई, रोजगार चाहिए, सब कुछ चाहिए, जो नियम है अब जो बता रहे हैं हमारे, देखिए बड़े बाबू क्या लगते यहाँ के भाई मेन है, बता रहे हैं कि विकास विकास, हम यही सुना जाए विकास हुआ किस चीज का, हमें यही दिखा दें बस, बस राशन राशन खा के भाई सोए, विकास विकास नंबर 1 फ्री गैस, नंबर 2 2,000 रुपए की शादी है, सुनिए फ्री गैस फ्री गैस फ्री गैस दिया गया, सुनिए सुनिए हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं आप सुनिए, फ्री गैस दिया गया, लेकिन इस टाइम जो गैस का रेट है पहले से कितना गुना ज्यादा है? 2,000 रुपया किसानों को मिल रही है, किसान निधि क्या आज तक सरकार ने नहीं दिया, क्या छोड़ ले रहे, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया, 400 की पेंशन 1,000 कर दिए विकलांग वृद्धा को, और दे रहे खाते में गैस के सिलेंडर का, गैस का सिलेंडर 1,000 बढ़ गया, ऐसा है जिस चीज की आमदनी कम होगी और मांग ज्यादा होगी वो महंगा होगा। अब बता रहे हैं कोरोना काल में, सुनिए सुनिए बता रहे हैं कोरोना काल में मदद किया गया न, सब कुछ बेच के, मतलब सारी ट्रेन से लेके स्टेशन से लेके दिल्ली के लाल किला तक बेच के मदद किया गया, इनसे पूछिए हुआ है कि नहीं हुआ है? हमारी बात सुनिए, समाज के लिए क्या चाहते हैं हमें बताइए, सब कुछ बेच के तब मदद किया गया, इनसे पूछिए, 2,000 बता रहे हैं दे रहे हैं, 2,000 दे रहे हैं योगी जी ने मोदी जी, लेकिन ये इनसे पूछिए गैस सिलेंडर फ्री दिए, 1,000 रुपए गैस सिलेंडर रेट, बस पेट्रोल 100 रुपए लीटर, डीजल 100 रुपए लीटर, इनसे पूछिए पहले। अरे इनकी सरकार में डाई यूरिया मिल ही नहीं रही है, राम जी यादव यादव जी यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद।
क्या लगता है? क्या सरकार बिल्कुल बदलनी चाहिए? अर्जी मुकदमे बढ़ गए हैं यहाँ पे, वही उनका विकास है, मुकदमा उनका विकास है, पूछिए उनसे। मुकदमा मंत्री नाम है उनका। तो ये हमारे साथ सैफाबाद जो बाजारे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग बात कर रहे थे और अपनी बातें वो रख रहे थे।